हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री इट इज़ रिलेटेड विद केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो ब्रांच है ये एक रिलेशनशिप शो करती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज हाउ द केमिकल चेंज कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन काज अ केमिकल चेंज इन द रिडॉक्स रिएक्शन। देखो अगर एक मान लीजिए सेल की बात करते हैं, बैटरी की बात करते हैं, तो उसमें केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और कोई किसी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, जैसे कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। तो वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि हाउ द केमिकल चेंज कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन काज अ केमिकल चेंज। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो फर्स्ट इसका टॉपिक है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। बहुत ही बेसिक इसकी डेफिनेशन हैं। देखिए इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वन इज क्लासिकल कंसेप्ट एंड अदर इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। क्लासिकल मीन जो बेसिक कंसेप्ट हम पहले से पढ़ते आए हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो क्लासिकल कंसेप्ट क्या बोलता है वो हम पहले इसकी बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो ऑक्सीजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर हमेशा चार्ज 2- होता है। ऑक्सीजन या कोई और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर उसकी एडिशन होती है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो चार इसकी डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसको आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इट इज ऑक्सीडेशन। एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के साथ कोई और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन लिखा हुआ है, एम जी में आप सी एल टू डाल देते हैं, एम जी सी एल टू बन जाता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कैल्शियम में ऐड हुआ तो सी एफ टू बना, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एच टू एस है, इसको बी आर टू के साथ रिएक्शन की तो एच बी आर और एस, पहले एच टू एस से क्या बन गया एस, इट मीन्स एच टू एस से हाइड्रोजन निकल गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। एच टू एस ओ फोर को जिंक से किया जेड एन एस ओ फोर और हाइड्रोजन निकल गया, एच टू एस ओ फोर से हाइड्रोजन निकल गया तो इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज रिडक्शन। सो रिमूवल ऑफ सॉरी इट इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी जा सकता है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड से लास्ट पे रह गया आयोडीन, दैट मीन्स पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम निकल गया। पोटेशियम आयोडाइड वाटर और ओजोन को जब हमने रिएक्शन की तो पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम निकल गया तो इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। नाउ रिडक्शन क्या है, रिडक्शन भी है इसका समझिए उल्टा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आप रिडक्शन बोलते हैं, जैसे आप हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा उसको रिडक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के ऐड होने को रिडक्शन बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एच जी Cl2 में आप SnCl2 ऐड कर रहे थे और बन गया आपका Hg2Cl2, पहले था HgCl2 अब बन गया Hg2Cl2, तो एक Hg ऐड हो गया इसमें, दिस इज रिडक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो गया तो ये रिडक्शन है। ऑक्सीजन रिमूव हो, जैसे CuO है और फिर Cu रह गया, हाइड्रोजन ने इसकी ऑक्सीजन ले ली तो CuO से Cu बन गया तो ऑक्सीजन निकल गई, इसका मतलब दिस इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, FeCl3 में आप SO2 और वाटर से इसकी रिएक्शन करते हैं, FeCl3 से ये बन जाता है FeCl2, इसका मतलब क्लोरीन निकल गया।
क्लोरीन निकल गया, दिस इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, सो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन. तो ये जो क्लासिकल कंसेप्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का. एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी होता है इसका, जो दूसरा कंसेप्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या लूज होता है. तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अगर किसी भी एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं. देखिए जैसे Na ने Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे Na पॉजिटिव रह गया. Cl नेगेटिव था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Cl रह गया. तो Fe2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Fe3 पॉजिटिव, तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं. इसलिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन को आप डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन का निकल जाना डी इलेक्ट्रोनेशन. अब इससे क्या होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है. अभी ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है. देखिए जैसे यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव है, इससे Fe3 पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया. वैसे Cl नेगेटिव था तो Cl बन गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया. इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है. रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड होना. मतलब किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो उसको आप बोलेंगे रिडक्शन. देखिए जैसे Cl में ऐड हो गया तो Cl नेगेटिव बन गया, Mg में ऐड हो गया तो Mg पॉजिटिव बन, टू पॉजिटिव, Mg टू पॉजिटिव में, दो पॉजिटिव का मतलब है इसमें दो इलेक्ट्रॉन कम थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो Mg पॉजिटिव बन गया, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है. O नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो O2 नेगेटिव, इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है. किसमें, इलेक्ट्रोनेशन में, या इसको आप रिडक्शन बोलते हैं. तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. नाउ इट इज रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो रिडॉक्स मतलब RED, रिडक्शन से निकला है, ऑक्सीडेशन से OX निकला. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली. सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. दोनों होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी. देखिए अब कुछ रिएक्शन देखते हैं. Mg+O2 gives MgO. जब भी कोई एलिमेंट इस फॉर्म में होता है, जैसे अकेला कंपाउंड फॉर्म में नहीं, एलिमेंटल फॉर्म में, तो उसके ऊपर हमेशा चार्ज जीरो होता है, वो हमेशा न्यूट्रल होता है. अब Mg पे जीरो है और ये बन गया अब MgO. MgO कैसे बनेगा, Mg जो है आपका दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, तो Mg जो दो दे देता है तो ये बन जाता है आपका Mg2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो O2 नेगेटिव बन जाता है. तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है. अब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी हो गई रिडक्शन. तो ये Mg से MgO में ऑक्सीडेशन हो गई और O2 से O में रिडक्शन हो गई. उसी तरह से Fe2O3 से Fe रह गया, Fe2O3 से Fe, आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा, O3 से O3 यहाँ इसका रिमूव हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन के निकलने को आप बोलेंगे आप रिडक्शन. और यहाँ था CO और अब बन गया ये CO2, मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, तो उसको आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन. तो दिस इज योर रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन.